Shagni. कैप्टन अमरिंदर सिंह इस वक्त हमारे साथ पंजाब के मुख्यमंत्री जुड़ चुके हैं. कैप्टन साहब बधाइयां आपको, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? पूरे मुल्क को हो, अपने लड़के ने इतना अच्छा काम किया है. नीरज हैज ब्रोकन गॉट गोल्ड मेडल, इससे ज्यादा क्या खुशी हो सकती है. कैप्टन साहब, थोड़ी देर पहले मनोहर लाल खट्टर जी भी थे और हम उनसे वही बात कर रहे थे कि ये चंडीगढ़ के ही किस्मत में लिखा हुआ गोल्ड मेडल. पहले अभिनव बिंद्रा गोल्ड मेडल जीते, अब हालांकि नीरज चोपड़ा का जन्म पैदाइश जो है वो पानीपत की, लेकिन चंडीगढ़ में ये भी रहे हैं, वहीं पर पढ़े. ये चंडीगढ़ या पंजाब या हरियाणा की बात नहीं है, मुल्क की बात है. टुडे द होल कंट्री इज प्राउड ऑफ नॉट ओनली हिम, इनके इनके अलावा हमारी जो हॉकी गर्ल्स की टीम है, जो लड़कों की टीम है, जो अपने हमारी पंजाब की वो डिस्कस थ्रोअर है, ऑल दीज पीपल हु हैव डन देयर बेस्ट. ओलंपिक्स कोई आसान बात नहीं है और स्टैंडर्ड्स बहुत बहुत हाई है. कॉमनवेल्थ गेम्स में हो जाता है, एशियन गेम में हो जाता है, लेकिन ओलंपिक्स इज प्लेस ऑफ इट्स ओन, इट्स इन नेशनल रिकग्निशन. एंड इस नेशनल रिकग्निशन में जो इन्होंने किया है, चाहे हमारे पंजाब के कह लो या चंडीगढ़ कह लो या हरियाणा कह लो, वी आर ऑल वेरी प्राउड. कैप्टन साहब, पूरा देश खुशी मना रहा है आज, आप कैसे खुशी मनाएंगे? मना रहा है, वी विल ऑल एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी. बहुत बार उनको उनको परिवार को उनको हमारी मुबारकबाद, और खास करके नीरज को अपने, ही इज डन अ ग्रेट जॉब एंड ही इज मेड इंडिया प्राउड. अच्छा, आप खुद शूटिंग करते थे और जाहिर तौर पर उस जमाने में जहां पर भारत में हॉकी ही सबसे बड़ा खेल था खेल के तौर पर, आज आप हिंदुस्तान की प्रोग्रेस कैसे देखते हैं खेल में, ओलंपिक्स में, क्योंकि आप हॉकी और बाकी इवेंट्स में भी जीत रहे हैं? मस्ट रिमेम्बर, एक टाइम तो था कि सिर्फ हमारे हॉकी टीम जीतती रहती थी और कोई नहीं जीतता था, सिंगल इवेंट्स नहीं होती थी. थिंग्स देन ग्रेजुअली चेंज होने लगे, टाइम्स हो गए, आर ओन स्टैंडर्ड, यू नो, टू एंटर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स आपको सही इक्विपमेंट की जरूरत है. जैसे शूटिंग में आई एम ऑल्सो सिल्वर मेडलिस्ट फॉर इंडिया इन द ओल्ड डेज इन द नेशनल गेम्स, बट द फैक्ट इज दैट दीज आर थिंग्स दैट ये जो अब टेक्निकलिटी इतनी आ गई वेपन्स में और स्पोर्ट्स में. मैं देख रहा था हॉकी गोल कीपर, मैं जब अपने स्कूल में था मैं गोल कीपर था हॉकी का, और ये इस किस्म के पैड जो पहन रहे हैं, प्रोटेक्टिव गियर वगैरह हमारे पास क्या होती थी. तो द वर्ल्ड इज चेंजिंग, जब वर्ल्ड चेंज होती है, एडवांस होती है, दैट इज द वे यू नो इट इज, इंडिया हैज टू कीप अप. और मुझे बहुत खुशी है, एंड आई एम टोल्ड के द पर्सन हु डिड अ ग्रेट डील ऑफ वर्क हैज बीन पटनायक जी फ्रॉम उड़ीसा अचीवमेंट्स, आई एम वेरी ऑल्सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर हिम. हमारे अपने स्पोर्ट्स क्लब के 6 लड़के हैं जलंधर से जो हॉकी टीम में वो खेले थे यहाँ जलंधर स्पोर्ट्स क्लब में. सो माई पॉइंट इज के एवरी वन इज डूइंग देयर बेस्ट, बट इवेंचुअली फाइनली इट कम्स डाउन टू जो इवेंट जीतता है. और आज नीरज चोपड़ा ने जो जीता है, दैट आई थिंक इज अ ग्रेट थिंग फॉर दिस कंट्री. अनफिनिश्ड बिजनेस, एंड आई एम श्योर आगे के समय में और भी हमारी लड़कियां और लड़के आएंगे. कैप्टन साहब, पीटी उषा ने कहा है कि अनफिनिश्ड बिजनेस, 37 साल पहले मैं फाइनल में पहुंची थी, आज माय सन हैज डन इट. मिल्खा जी नहीं है आज, हम उनको सब मिस कर रहे हैं, क्योंकि अगर मिल्खा जी होते तो फिर बलबीर जी होते. बलबीर जी को मैं अभी दोनों हम सॉल्वर्स को खो बैठे हैं, इतने लोग होते हमारे अपने. प्रगट सिंह MLA also, and वो इंडिया के कैप्टन रहे, छोटे बलबीर भी रहे, मेजर ध्यानचंद तो सब हम जानते हैं कौन थे, हरिपाल कौशिक मेरी रेजिमेंट का था, चिमनी हमारी रेजिमेंट, ऑल नेशनल प्लेयर्स हॉकी में. सो दीज आर ग्रेट ग्रेट इवेंट्स एंड ग्रेट पीपल हु हैव ब्रॉट स्पोर्ट्स अप टू दिस पॉइंट, एंड आई एम श्योर ऑन आने वाले टाइम में भी और भी. अब हमारे इंडिविजुअल देखो, बॉक्सर्स कितने, हरियाणा के रेसलर्स कितने अच्छा चल रहे हैं. आर ओन यंग लेडी फ्रॉम मलोट जिसने डिस्कस में शी केम 6, इट वाज बैड लक, दिस हैपेंड, बट दीज आर द थिंग्स दैट ऐसी बातें होती हैं जब इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज हो, एंड वो जरूरत अब हमारे स्टेट्स को सबको है कि हम फैसिलिटीज क्रिएट करें. और आप लोग कर रहे हैं कैप्टन साहब, आपको जो उम्मीद है? वी आर डूइंग इट एज मच एज वी कैन. अभी हम स्टेट्स सारे हम वी आर पुटिंग जिम्स एवरीवेयर, हम काफी हॉकी ग्राउंड्स बना रहे हैं. हॉकी इज ऑफ कोर्स हमारा, अभी इधर एस्ट्रोटर्फ मैंने लगवाई है पिछले महीने सिर्फ. सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू डू एज मच एज वी कैन. पंजाब हरियाणा से कैप्टन साहब, ये सच्चाई है कि जो खिलाड़ी निकलते हैं वो देश के दूसरे युवाओं का भी हौसला बढ़ाते हैं,
बहुत धन्यवाद आपका आज तक से बातचीत करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह, मुख्यमंत्री नीरज चोपड़ा ने अभी अभी कहा है कि आज कुछ अलग करने का सोचा था, कर दिया, कुछ अलग करना था और वो कुछ अलग कर दिया है। गोल्ड मेडल के बारे में नहीं सोचा था लेकिन कुछ अलग अलग करने के लिए सोचा था और वो अलग यही था। आज कुछ अलग करना अलग अलग ये था विक्रांत कि वो 87.58 मीटर भाला फेंकना था। जी बिल्कुल, जिसका कोई आसपास नहीं पहुंच पाया वहां तक। ये अलग है और ऐसे ही अलग करना चाहिए। कहने का मतलब कि मैं सिर्फ गोल्ड के लिए नहीं जा रहा था, मैं खुद से लड़ रहा था। मुझे लगता है उनके मायने ये है कि मैं खुद से लड़ रहा था, कुछ अलग करना था। ये नहीं है कि जी गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, मैं अपने आप से। और ये अच्छी बात है, कहते हैं ना कि आप कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। मुझे तो पता था मैं आज अपना बेस्ट करूंगा। यही कर्म था जो आपको याद है, जो उन्होंने पहला थ्रो मारा, जब आपने कहा यार अमेजिंग, तो हमने बात की कि इनकी रिदम पहली में दिखी है। बैटर की पहली थ्रो में रिदम नहीं दिखी। और इन्होंने पहली थ्रो में रिदम दिखाई, दूसरी थ्रो में आपने ये दिखाया मेरे पर प्रेशर नहीं है, मैंने इससे भी बेहतर कर दिया। उसके बाद वो उस खुद भी वहां नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो कर चुके थे। एंड आई थिंक उस फील्ड में सब जानते थे कि आज की तारीख में जो भी कंडीशंस थी, 87.58 कुछ मैच भी नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि मिल्खा सिंह, द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जो हमारे बीच नहीं है, उनको मैं ये मेडल डेडिकेट करता हूं। नीरज चोपड़ा ने कहा है कि मैं ये मेडल द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी को डेडिकेट करता हूं। लेकिन विक्रांत एक बात और आपको आज नीरज की माननी पड़ेगी। नीरज ने जो कॉन्फिडेंस दिखाया, नीरज का जो आत्मविश्वास फील्ड पर था, जिस तरह से वो चल रहे थे और जिन उनके कदमों की हमने सदे हुए कदमों की बात की, उनकी लय की बात की, उनका ये जो कंधा, हमें लगता है जवी में आप बेहतर बता पाएंगे कि सबसे मजबूत आपका ये कंधा होना चाहिए जिससे आप फेंकते हैं और सबका हाथ टेढ़ा गया। कंधा भी होना चाहिए, आपकी पिवट मूवमेंट का, आप जब खेल खेलते हैं ये जो पिवट होती है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपने जब पिवट करना है बॉलिंग में, भी लोगों को लगता है कि यार कंधे में जान हो, कंधे में जान ना भी हो, तो आप जब बॉडी आपकी पिवट करती, इनका जैसे फास्ट बॉलर वाले एक्शन होता है ना, ऐसे भाग के आके आपको बॉडी पिवट करनी है। तो ये देखिए, ये जो पिवट है ये यहां पर आपकी जान होनी चाहिए, आपका कोर जो है वो मजबूत होना चाहिए, आपकी टांगों में जान होनी चाहिए। किसी भी